भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो, बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त हो और तारा गुरु संतोष गिरि जी महाराज का संपूर्ण आशीर्वाद इनके ऊपर है। दो महीने से आप सेवा में लगे हुए हैं, वास्तव में इनका लाभ इन्हीं को मिलना चाहिए। खूब खूब धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, आप आगे बता रहे हैं केवल नाम की घोषणा कर दो, जिनका वापस हासिल करेंगे उतना टाइम लग जाएंगे पूछते युग तक। खूब खूब धन्यवाद। जननी एड़ो के दाता के सोर नहीं तो रहेंगे मां करी मती कमाई है नोर। तो हाँ साहब, जो यहाँ समाज में स्वयं जने जो भमाशा है और कुशल के साबा आप आगे बता रहे हैं, इनका सभा द्वारा स्वागत होगा। इतम हजार रुपए का चातुर्मास में सहयोग दिया है, खूब खूब धन्यवाद। आपने चातुर्मास के इस कार्यक्रम के अंदर की कौन रूपी रूपी पुत्र श्री पुत्र श्री अदुराम जी बाबी मेरा रेड़ा ब्रजा इक्कीस हजार रुपए हमारे मैं नाम बोलूंगा, आप उनकी बात आगे बढ़ाते जाए। मानी रेल मंगा मेरा हिंदोड़ा इन्होंने भी 11,000 रुपए का राशि दिया है। कालीपुर चंद्र प्रकाश जी चौहान कालीपुर रेल मंगा इनकी तरफ से 11,000 रुपए। मानी कालूराम जी पुत्र घेवर जी बागरी रेल मंगा इनकी तरफ से भी 11,000 रुपए। धन्यवाद कालूराम जी। कालूराम जी पुत्र जयराम जी पादराम जी के पुत्र यहाँ मौजूद है, कृपया आप इनको सम्मान में इजाजत और विनयराज जी 11,000 रुपए की राशि प्राप्त की है। ओम प्रकाश जी पुत्र मोटाराम जी धरती निवास ओम प्रकाश जी मोटाराम जी धरती नहीं है सरपंच साहब है कर्मो पानी देवी इन्होंने भी 11,000 रुपए का राशि भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद महापटे दो महीना खूब सेवा की। पानी भाई ने दो महीने तक लगातार यहाँ अपना भक्ति शांति देवी ग्राम पत्नी सरोज देवराम जी बाबी शांति भाई भाई शांति भाई बता रहा हूँ शांति भाई गणपत भाई बाबरी गणपत भाई अरे आए रे शिव भाई नहीं आया कोई बात नहीं, वापस आने पर इनको सम्मान कर दिया जाएगा। आगे है 11,000 रुपए पानी भीमाराम जी चौहान रेल मद्रा उगड़ा केवड़ा 5100 की राशि प्राप्त हुई है इनसे। आप आगे बढ़ो। ओम प्रकाश जी भीमाराम जी चौहान अब 5100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। लाभुराम जी पुत्र किसाराम जी चौहान नई कॉलोनी पर राम जी ना 5100 रुपए प्राप्त हुए। जगाराम जी पुत्र उमेद राम जी बागड़ी पिपड़िया वाले माता वो भी नहीं बता रहे हैं 5100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। पुत्र जी
पुखराम जी पुत्र रामदास जी बागड़ी दौड़ी रहे एकांशी राशि प्राप्त हुई है भवरलाल जी बाबूलाल जी मदनलाल जी पुत्र बदनाराम जी दौड़ी रहे वैसे भमाशाओं की सूची नगर की है जिन्होंने भी जितना सहयोग दिया है वह सब नाम दर्ज है। हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो हमारा कोई नाम बाकी क्या पूर्व सरपंच पूर्व सरपंच धर्मेंद्र जी रेणुवा साहब पधारे आप आगे आपका बहुत बहुत सहयोग रहा आपके पिताजी थे अपने पूज्य गुरुदेव के बहुत बड़े प्रेमी थे भगत थे और आपने भी जब 4 साल पहले जब यहाँ पर समाधि स्थल पर वापस जब रायपुर का क्रमा हुआ और इसके ऊपर वापस उच्च इसको दुनिया को निर्माण करना था धर्मेंद्र जी आप बहुत ही बहुत सहयोग किया आपने ये हमारे वर्ग ग्राम के पुरुष सरपंच हैं इन्होंने जब 4 साल करे यहाँ पर इस गुरुदेव के इस होने के ऊपर काम करना था तो उस समय आपने अपने हर प्रकार के तन से मन से और धन से भरपूर आपने सहयोग करके इस गुरुदेव की तपोस्थली को वापस यहाँ पर जो लोग आप आज देख रहे हैं कि दीप जो है आप रहे हैं और आपके पिताजी भी बाबूजी के गुरुदेव के बड़े प्रेमी रहे थे सेवा में रहे थे उन्हीं का आज आपका सहयोग हमारा खूब खूब बना रहा आपका खूब खूब धन्यवाद। बोले हनुमान जी महाराज की बादल माने जो अपन चातुर्मास समापन लेने सबसे जो बड़ी बोल बोली है दो बोली है एक 25,000 और एक 11,000 गई नहीं एक तो जालौन जिले के अंदर केशुना गांव के अंदर भक्त विक्रीता जी का जो विशाल मंदिर अभी 2 साल पहले प्रतिष्ठा 7 साल बाद पहले प्रतिष्ठा हुई थी वहां से अपने हमारे समाज के भाई लोग बता रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अमरू भाई जो भगत हैं उनके भी थे मेरे उनके घर में से आए हैं खूब खूब धन्यवाद। इस समाज को प्रारंभ शुरू किया था जी इन्होंने जो है एक बड़ी चाव के साथ इन्होंने हाँ भरी और कहा कि 51,000 रुपये मेरी ओर को कहे कमला बहन को पता नहीं के अंदर ही कोई सरोसा आ गया था कि मानव में भरे मध्य मानव बाल जी चमक सोन के करें करना हाँ पहले 4 दिन पहले आए अंदर से पता नहीं कैसे बाबूलाल जी चौहान मेरा बता रहे हैं जो इन्होंने 25,000 जो खाते की बोली है दामोदर जी के पिताजी हैं और इसी के उपलक्ष्य में मान सम्मान दंडी बाटी पूर्व मुख्य एक हालांकि जो रामेश्वर जी हमारे ठेकेदार हैं या हम जितना भी जो ये निर्माण कार्य हुआ एक जो रामेश्वर भाई है जिनको प्रेम से चौकर के कहते हैं ठेकेदार उन्होंने आज आपके सामने यहाँ आश्रम के अंदर जो 4 साल से भरे चाहे एक ईट भी लगी या चाहे एक ईट का पत्थर भी लगा तो आपके सहयोग से लगा आपने अपना पूरा स्टाफ धोने के निर्माण के अंदर जब बोलबिल कराया उस समय ये हौदे के निर्माण 4 दीवारी और कभी कभी ये जो चातुर्मास करके जो पौने 2 महीने के अंदर जो अपन बैठे ये चंद्र का भवन जो हॉल और ये जो अभी जो भवन और हॉल बने हैं और साइड में जो भी निर्माण हुआ है केवल 20-25 दिन के अंदर जो निर्माण किया हमने दिन रात हमें सहयोग करके उस रामेश्वर जी भाई जौकर जी को यहाँ पर माला और शाबाश स्वागत करा रहे हैं
रामेश्वर जी आओ
पथ प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। आज इस पवन धरती पर इतना सुंदर स्थान देख करके जो है मुझे कुछ कोई बड़ा आश्चर्य हो रहा पता है। पहले जो हम यहाँ पे थे तो डर लगता था कि आसान जाओ वहां पर बड़ा अंदर नुमा स्थान है, लेकिन हमारे परम स्वामी जी श्री कृष्ण गिरिजी महाराज की कृपा से ये सुंदर धार्मिक स्थान यहाँ बन गया है। और जैसे मुझे जानकारी मिली है कि राज्य में यह घोषणा हुई है कि भगवान जी का और विशाल मंदिर बनने जा रहा है, इससे बढ़िया हमारे गांव की बात और क्या होगी। यहाँ पर जो है विशाल मंदिर बने और ऐसे सुनने की सब बने बहुत साल पहले की बात आता करने की बात है। जब श्रीमान बलराम जी दामोदर लाल जी ग्राम सहकारी समिति बल के अध्यक्ष श्री मंगीलाल जी पुनौरा वाले मेरे पास आए थे था और आपने कहा कि गुरुदेव का आदेश है सामने से यहाँ जो है उनके गुरुदेव के गुरुराम जी जो पुराना स्थान है उसको विकसित करना चाहते हैं। इसमें आप अपनी अनुमति दे रहे मैंने गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए तुरंत जैसा उन्होंने कहा पंचायत से प्रस्ताव लेकर के तुरंत लिख करके दिया। आज मैं देख रहा हूँ कि पहला जो उसको जो निर्णय था वास्तव में सफल हो गया और गुरुदेव की यहाँ अस्पताल में से आनंद ही आनंद हो गया है। सफलता महान व्यक्तियों के पास आती है, महान व्यक्ति सफलता की ओर नहीं जाते। यहाँ जब एनओसी जारी की गई थी यहाँ कुछ नहीं था, उसके बाद मेरे को प्रयास से यहाँ कस्तूरबा आवास के विजय का खुला खुलना तो ये रायपुर में था, सभी जगह जो है पंचायत समिति सेंट्रल मुख्यालय पर कस्तूरबा आवास के विद्यालय बने गए, लेकिन मेरे ख्याल से पर ही ऐसा अखबार है जो रायपुर में नहीं मिल करके मेरे प्रयास से। और उसके बाद में गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि आपको यह बताता हूँ ये बाईपास का निर्माण यहाँ से शुरू हुआ। हमें भी बता नहीं था बाईपास कहाँ से बनेगा, लेकिन गुजरात गुरुदेव पर जो है बाईपास अपने साथ लेकर है और आज जो है ये सड़क के बिल्कुल पास में इतना रमणीय कीमत बन गया है जितनी शायद हमने भी या किसी ने ग्रामवासी ने कल्पना नहीं की होगी। मैं नहीं बोलता आपका क्योंकि अभी धूप बढ़ती जा रही है और अभी जो है वो हमारी निकलनी है शोभा यात्रा निकलनी है, ये फिर कभी मौका मिलेगा मन की बात में बात करूंगा। गुरुदेव से मेरा निवेदन है कि यहाँ समय से हम मुलाकात करें, ग्रामवासियों को आशीर्वाद देते रहे और हमारा सभी का मार्ग दर्शन करके हम सभी का कल्याण करते रहे। एक बार सुनें स्वामी जी चेतन गिर जी महाराज की बहुत धन्यवाद। जब पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल को कुछ भावना भक्तों की जगी उनके साथ में मेरी भी जगेगी और आपके पास में गया तुरंत निसंकोच भाव से आपने अपनी पंचायत से एनओसी आपने दी। जरूर धर्मेंद्र जी आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये स्थान आपकी पद ध्यान का आप सभी का सहयोग रहा और गुरुदेव की महज कृपा है ही कि उन्होंने जो तपस्या की वो अन्याय ले गई और ये स्थान आने वाले समय के अंदर आपके इस वर गांव का एक पहचान बनेगा, एक दार्शनिक स्थल बनेगा। कोई भी यदि वर ग्राम आएगा तो कहेंगे कि कोई यहाँ पर दार्शनिक स्थल हो तो हमें बताइए, तो सभी लोगों की नजर सभी की डोर एकमात्र इस स्थान की तरफ होगी, ऐसा मेरा प्रयास है और ऐसे ही आपके सहयोग से ये प्रयास कोशिश करेंगे। उद्योग में भी जयंती नाम है, उद्योग करने पर परिश्रम करने पर मेहनत करने पर सफलता प्राप्त होती है, नहीं कि हाथ रख करके बैठे रहे तो जरूर आपके सहयोग से होगा। जिन तरह सोजत किया गया आज पूज्य गुरुदेव जहां सोजत के अंदर जो देखकर आश्रम और वहां पर जो मंदिर की नींव रखी थी नीलकंठमान मंदिर जो आज सोजत के अंदर ही नहीं बल्कि अपने पूरे जोधपुर डिवीजन के अंदर जो नीलकंठ महादेव मंदिर जो जोधपुर शिक्षक के अंदर जिस तरह से कलाकृति के साथ में आज गगन चोपड़ा आज जो सोजत की एक पहचान मंदिर खड़ा हुआ है वो
उसी तरह से आपके परिश्रम के अंदर भी बाला जी की बड़ी मेहर है। बाला जी अंदर थोड़ा ध्यान नहीं, आपने गुरु महाराज दसू अटे पांच छह साल जब बाला जी भावना राखने के तपस्या करी और बाला जी अटे अंदर ही अंदर गुप्त रूप में माने बाला जी अटे विराज किया गया पद्म जी की खबर के। और वे बाला जी अभी धीरे धीरे आप अंदर ही अंदर भूतों को मार गया है। आप और ग्राम बड़ी सुंदर की पहचान बनने उपस्थित रहना और उन्होंने आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। संयम में सर आया, और भैया भाई